ट्रेनिंग करते हैं तो अब वो क्या हो रहा है, अब उसमें एसी वाले कोच में अगर राजधानी होती है या मतलब जो हाई क्वालिटी की, तो उसमें वो खाना जब देते हैं तो वो पोलोथिन भी दे देते हैं। मैंने एक दिन पूछा उससे, भाई जो उसमें रहते हैं, मैंने कहा भाई ये आपने ये जो आपने पोलोथिन भी का इसलिए ताकि यहाँ बैठने की जगह पर आलूदगी न हो, गंदगी न हो, और ये स्वच्छ अभियान का हिस्सा है जो हमारे वजीर आजम ने शुरू किया। मैंने कहा एक मिनट बैठ जाइए आप, मैंने कहा आप स्वच्छ अभियान को कब से जानते हैं? कहा नहीं जानते तो हैं लेकिन इस वक्त इसमें तेजी आई है, वो वजीर आजम की वजह से आई है। मैंने कहा तुम्हें मालूम है स्वच्छ अभियान सफाई सुथराई नजाफत सड़कों को साफ रखना कपड़ों को साफ रखना बदन को साफ रखना सब चीज को साफ रखना ये अभियान मालूम है? ये इनकलाब दुनिया में कौन लेकर के आया? बोला नहीं। मैंने कहा दुनिया में ये इनकलाब सबसे पहले हमारे यहाँ सफाई सुथराई का माहौल बना, बात को साफ रहो। मैंने कहा तुम तो सफाई सुथराई खाली जाहिर की करते हो, मेरा इस्लाम तो अल्लाह कहता है वो कामयाब हो गया जिसने अपना दिल साफ कर लिया। ऊंचा बोले ऊंचा बोले ऊंचा बोले इस्लाम में ओनली लिबास की जाहिर की सफाई सुथराई पर मुनासिब डिपेंड नहीं है, जाहिर भी साफ रखो बातिन भी साफ रखो। अच्छा बातिन की सफाई सुथराई किसी की गीबत नहीं चुगली नहीं बदी नहीं झूठ नहीं बेईमानी नहीं डकैती नहीं किसी को तकलीफ देना नहीं अमानत में खयानत नहीं माँ बाप का भी दुखाना नहीं अच्छा काम करो शिर्क को बिदअत से दूर रहो प्यारे आका की तअज़ीम करो अपना बातिन भी साफ रखो अपना जाहिर भी साफ रखो जो मुकम्मल तरीके से नज़मीर बनता है साफ सुथरा बनता है वो अल्लामा शफी काज़ी शरीयत बन जाता है।